सुप्रभातम बच्चों, आज इससे पहले तुम लोगों के वीडियो में पंचमह पाठ से एक वीडियो मैंने तैयार किया है एवं इसी में फिर चार श्लोक है। एक वीडियो में हम लोग आठों श्लोकों को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पुनः जो शेष बचा हुआ जो चार भाग है उसको हम पुनः तुम लोगों को संकलित करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और शायद तुम लोगों से भी आशा है जो तुम लोग भी सही तरीके से अपना पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। और ये चैप्टर्स जो है वह सुक्ति मुक्तिकम है, ठीक है। तो सुक्ति मुक्तिकम का मतलब होता है सुंदर उक्ति, सुंदर वचन। तो वह वचन किस प्रकार का होना चाहिए, तो मोतियों की भांति चमकते हुए, ठीक है। उसी में से अब हम लोग पांचवा नंबर श्लोक पढ़ते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, गुणस्येव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरे गुणे असम। कह रहे हैं क्या, मनुष्यों को गुणों के विषय में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। कहने का मेरा ये अर्थ हो गया, जो मनुष्य के पास में गुण है वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाते हैं। मान के चलो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं और उसके पास गुण नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, परंतु एक दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास गुण है, तो वह सामर्थ्यवान व्यक्ति से अधिक अच्छा वह दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास की गुण दिया हुआ है। तो ये सुंदर उक्ति है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पाँच छठा नंबर में आ जाता है, जो आरंभि गुणीन छयिनी क्रमेव लब्धि पुराह वृद्धि मति च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। अब कह रहे हैं क्या, जो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उन सभी का जो मित्रता है उन दोनों के मित्रताओं में अंतर है। तो किस प्रकार यहाँ पर कवि अंतर को समझाए हैं, जैसे दिन के पूर्वार्ध और परार्ध होता है, यानी दोपहर का समय होता है और शाम का जो समय होता है, इन दोनों के साथ इनका कंपैरिजन किए हैं। जो कह रहे हैं कवि का कहना है, जो गुणवान व्यक्ति होता है उसका जो मैत्री होता है वह धीरे धीरे उसका मित्रवत बढ़ता है, परंतु किस तरह, तो जिस तरह से पूर्वार्ध का जो समय होता है, अगर हम लोग धूप में खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के पश्चात हमारा जो छाया है हमारे शरीर के अंदर से जो छाया बाहर निकलता है वह छाया भी हमारे शरीर में लुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, कहने का मतलब वह छोटा हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो मित्रता है वह धीरे धीरे बढ़ता है, एवं जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनका जो मित्रता है वह पहले तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, पुनः वह बाद में वह घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे 12 बजे का जो समय होता है, इसके बाद जब संध्या होने लग जाता है तो सूरज भी क्या होता है, उनके किरणों की जो छवि है वह नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति है उसका भी जो छवि होता है वह सब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मेरा अर्थ ये हुआ, अब हम लोग इसको लिख लेंगे, दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता क्रमशः दीन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह प्रारंभ में विशाल तथा सने सने घटने वाली होती है और आरंभ में लघु तथा पश्चात वृद्धि वाली होती है। इसी का हम लोग ये देख लेते हैं, ये पांचवा नंबर जो श्लोक है उसका ये
कहने का मतलब है जो सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्तियों का जो मित्रता का जो व्यवहार होता है वह किस प्रकार का होता है, जैसे दीन का होता है पूर्वार्ध और संध्या के समय का, यानी सुबह के समय का और शाम के समय का। उसमें तीन भागों में विभक्त है, सुबह, दोपहर और शाम। तो इन सभी के जो छाया जो होते हैं उनमें ये अंतर पाया जाता है। ठीक उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका और दुर्जन व्यक्ति का जो मित्रता है उन दोनों में अंतर पाया जाता है, समझा जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं जो छः नंबर का श्लोक जो है उसमें दिया हुआ है, यत्रापि कुत्रापि गता गता भवेयु हंसा मंडनाय हानिस्तु तेषां हि तेषां हि सरोवरानाम येषां मराले येषां मराले सह विप्रयोगः सह विप्रयोगः सह विप्रयोगः। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो इसका अर्थ जैसे है, अर्थ में हम लोग लिखते हैं क्या, जैसे पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाए हंस कहीं भी चले जाए हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। कहने का मतलब होता है ये धरातल पर जो तालाब है उस तालाब को सुशोभित करने के लिए
उसको शोभायमान बनाने के लिए हंस का होना आवश्यक है। अगर हंस उस तालाब से कहीं और चले जाए तो हानि उसी का होगा, हाँ, जो तालाब का होता है, परंतु हंस का हानि नहीं होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग लिख लिए हैं, इसका अर्थ समझ लिए हैं, जो पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अब तुम्हारा ये लास्ट नंबर जो है उसको हम लोग देखते हैं, जो क्या लास्ट नंबर श्लोक है, ठीक है, उस श्लोक को अब हम लोग करके पुनः फिर आगे हम लोग आगे चैप्टर्स निकालेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, इस हिसाब से हम लोग आगे की ओर चलते बढ़ेंगे। अब ये लास्ट श्लोक नंबर में से है, आठ जो नंबर गुणा भवन्ति ते निर्गुणम् प्राप्य भवन्ति दोषा आज आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया भवन्ति पेया। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं इसका जो अर्थ होता है उसको हम लोग लिखेंगे, गुणों के पारखी लोगों में गुण बन जाते हैं वे अर्थात गुणहीन को पाकर अवगुण बन जाते हैं नदियां स्वादयुक्त
स्वाद युक्त जल वाली बहती है, परंतु समुद्र को पाकर वे नौ पीने योग्य हो जाती है। तो बच्चों, हम लोग ये देखते हैं, जो लास्ट नंबर जो है उसको हम अभी लिखे हैं और उसका अर्थ भी हम लोग लिख चुके हैं, जिसको तुम लोगों के समक्ष में है दिया हुआ। तो कह रहे हैं, जो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ति भवन्ति दोषा आस्वाद तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। कह रहे हैं, गुण गुणों के पारखी लोगों में गुण बन जाते हैं, अर्थात गुणहीन को पाकर अवगुण बन जाते हैं। नदियाँ स्वादयुक्त जल वाली बहती है, परंतु समुद्र को पाकर वे नो पीने योग्य हो जाती है। कहने का अर्थ होता है क्या, जैसे समुद्र का जो पानी है वह खारा होता है, यानी गंदा होता है, वह पीने के लायक नहीं होता है, परंतु नदियाँ जो बहती है उसका जो पानी है वह स्वादयुक्त है, अच्छा है। हाँ, जिसको हम लोग ग्रहण करके अपने तृप्ति को ख़त्म करते हैं। तो वही कह रहे हैं, गुण के साथ अगर हम लोग संपर्क करते हैं तो गुण गुण के साथ जब मिल जाता है वह गुणी हो जाता है। गुणवान व्यक्तियों के साथ अगर अवगुण व्यक्ति भी सही सलामत मिल जाते हैं, वे अवगुण व्यक्ति भी गुणी बन जाते हैं। जिस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं, जैसे नदियाँ जो होती है वह पेयुक्त होती है, पीने लायक होती है, परंतु समुद्र में मिल जाने के बाद वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो बच्चों, अभी हम लोग ये सुक्ति मुक्तिकम जो है उसको आठ श्लोक दिया हुआ है, आठों श्लोक को हम पुनः लिखे हैं और उसका अर्थ भी लिख चुके हैं। आशा करते हैं जो तुम लोग भी इनको सही तरीके से अपने होमवर्क में कर लोगे और जो भी त्रुटियां होगी वह हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमसे समझ लोगे। ठीक है, आगे फिर हम लोग अब देखते हैं दो लेशन इसमें दिया हुआ है चैप्टर्स में, उसको पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इस सुक्ति मुक्तिकम के लिए क्लास को यहीं ख़त्म किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।